नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, आप सोचोगे यार ये जॉब भी आने स्टार्ट हो गए, कल की डेट से वीज़ा स्टार्ट हैं, विजिट वीज़ा। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जॉब से रिलेटेड, तो पहले वीडियो पूरा देखिए उसके बाद नीचे जाके कमेंट करें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले होते हैं, वीडियो में क्या बताया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वीडियो झूठ बोल रहे हो आप, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पहले ही दो शब्द सुने नहीं कि नीचे जाके अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। वीडियो पूरा देखिए, हम बात करेंगे बुटाटा, आपने देखा होगा मॉल है दुबई के अंदर, उसके अंदर जॉब आया हुआ है भाई। जी हाँ, सैलरी की बात करें तो आप सोच नहीं सकते, 2800 दराम यानी 2800 दराम 8 घंटे ड्यूटी के, इंडिया के सीधा सीधा कितना बनता है भाई, 56,000 रुपये बन रहा है 8 घंटे ड्यूटी का, पैसा कोई नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन पता है क्या भाई, आप लोगों को सोच के हैरानी होगी कि आपका, आप इंडिया में हैं तो आपका पासपोर्ट दुबई भेजना पड़ेगा, ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई भाई, तब जाके 56,000 महीना मिलेगा, पैसा कोई नहीं लगना, आपका पासपोर्ट आप कोरियर कराओ दुबई पहुंचेगा, दुबई से फिर आपका पासपोर्ट में इमिग्रेशन होगा, आपके पास पासपोर्ट हमारी जो दुबई एम्बेसी है वहाँ पहुंचेगा, फिर आप अपना पासपोर्ट लेके दुबई आ जाओ। ये एक बंदे के पास ऐसा एक ऑफ़र आया है, ऑफ़र लेटर भी दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई घटना होती है तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बंदे ने कॉन्टेक्ट कर लिया, कोई दुबई में कोई महाज से बैठे हैं जो एजेंट बन के, जो गए थे वहाँ पर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बन गए वहाँ पर एजेंट, उन्होंने उनको ऑफ़र दिया कि भाई आप अपना पासपोर्ट हमें दुबई भेज दो, दुबई में हम आपका वीज़ा लगा के अल जो बुटाटा मॉल है उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम है। बंदे ने बताया इलेक्ट्रीशियन, और उसने भेज दिया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन में जॉब में डिफरेंस है, जो जॉब करते हैं उनको पता इस बात का। 2800 रुपये सिरली लगा के बंदे की भेज दी। जी हाँ, पैसा कोई नहीं लेना है जी, पासपोर्ट आप हमारे पास भेज दो कोरियर में। यहाँ बंदा फंस जाता है, पासपोर्ट हाथ से निकल गया, फिर पैसे बोल दे कुछ नहीं जी, बस वीज़ा का पैसा देना है 10,000 और कुछ नहीं लगेगा। ये प्रोसेस बंदे के साथ में हुआ, बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, ये बात तो हो गई यहाँ पे। अब आप ऑफर लेटर देखिए, फिर आगे हम और बात करें। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा कोई नहीं लगेगा, आप दुबई पहुँच जाओगे ना 2 महीने की तनख्वाह मिलेगी, यानी आपकी जो भी सैलरी मिलेगी उससे 2 महीने का हम 50% आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे, यानी आपकी कंपनी आपकी तनख्वाह काट के हमें दे देगी, आपसे हमें कोई पैसा नहीं लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, ऑफर लेटर में भी ये बात लिखी है, चलिए ऑफर लेटर दिखा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर है भाई, वीज़ा बंद हुए दुबई का 1.5 साल हो गया, लेकिन ऑफर लेटर एम्प्लॉयमेंट दे दिया, यानी वर्क परमिट वीज़ा का ऑफर लेटर है ये। अल बुटाटा माल, इसमें IBN बुटाटा माल नाम लिखा है, बंदे का नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल देखिए, जॉब देख सकते हैं आप इसमें, 10 अक्टूबर तक इसमें पूरा प्रोसेस इसमें हो जाएगा। देखिए ऑफर लेटर में वीज़ा का टाइम भी दे रखा है, 1 अक्टूबर 2023 तक ये वीज़ा रहेगा, मंडे टू सैटरडे 10 बजे से शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करनी है हेड ऑफिस डिपार्टमेंट में। ऑफर लेटर में हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मंथली नेट सैलरी देख लो भाई 2800 AD, 2 साल के बाद में आपको टिकट मिलेगी, साफ साफ लिखा है। जी हाँ, 2 डेज पेड वेकेशन लीव पर मंथ, यानी आपका पर मंथ 2 दिन का आपको पेड आपकी एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी, 50% आपकी जो सैलरी से डिडक्शन है 2 महीने तक हम आपकी तनख्वाह से काट लेंगे। जी हाँ, 7 दिन का आपका ट्रेनिंग अनपेड आफ्टर, यानी 7 दिन आपको बिना पैसे जॉब करना पड़ेगा ट्रेनिंग के तौर पे, ये बातें इसमें लिखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 10 सितंबर तक इसमें आपको अप्लाई करना है। एक अरमान कुमार है, इसका ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिया गया है। एनी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं भाई, आपका ऑफर लेटर अगर ऐसा आया है तो क्या आपने भी ऐसा कोई ऑफर लेटर में कोई कॉन्टेक्ट नंबर हुआ था जिससे आप कोई ऑफर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें है भाई, ये देख सकते हैं चार्टर रिक्वायरमेंट है 20/8/2021 का, सिग्नेचर करके एकदम बढ़िया तरीके से बंदे को देखो, एड्रेस और देखा है HR डिपार्टमेंट IBN बुटाटा शॉपिंग मॉल। अब इसमें ये पूरा प्रोसेस है भाई, इसमें ईमेल आईडी वगैरह और कुछ है नहीं, तो ये ऑफर लेटर बंदे को दे दिया, बंदे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया। मैं बोला अरे भाई अफसोस की बात है यार, कनाडा वाले भी वीज़ा लगाने के लिए कनाडा पासपोर्ट नहीं मंगवाते, आप दुबई वाले दुबई मंगवा रहे हो पासपोर्ट इंडियन बंदे से कोरियर करवा के, शर्म आनी चाहिए यार आपको, बेवकूफ़ इंसान। मैंने हालांकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने उनको पूरी बातें बता दी हैं किस तरह से क्या प्रोसेस होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि भाई अगर आपके पास भी ऐसे कोई ऑफर लेटर आ रहे हैं तो भाई बच लें, समझ गए बात को। और ज़्यादा जानकारी के लिए एक बुक मैंने राइटर राइट की है, तो उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं कि इन जैसी चीज़ों से ही आपको उसमें बचाव बताया गया है। तो बस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।